रखना, तुम अपने दिमाग में ये चीज मत रखो, पेन को टेबल पर रखो। अगर हम कोई चीज अप्रत्यक्ष रूप से रखने की बात करते हैं, जैसे कीप साइलेंट, कीप पेशेंस, तो यहाँ पर हम कीप का प्रयोग करते हैं। पर जब हम किसी को फिजिकली कहीं पर टच करते हुए या उसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ दिखाते हैं, जैसे कि पुट जो होता है वहाँ हम उसका यूज़ करते हैं, जैसे पुट ऑफ योर शूज है ना, और पुट योर पेन ऑन द टेबल, तो यहाँ पर हम पुट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मिलने के लिए हम जब व्यक्ति मिलते हैं तब मीट का प्रयोग करते हैं, उसी से वर्ड बना है मीटिंग। और जब हमें, जैसे मुझे अच्छे नंबर मिले, मुझे इनाम मिला, वहाँ पर हम गेट का प्रयोग करते हैं, गेट गॉट गॉट। और यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं यदि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो मीट का प्रयोग। ऐसे ही लगने के लिए फील और सीम का प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे ठंड लगती है, मुझे गर्मी लगती है ना, वहाँ पर हम फील का प्रयोग करते हैं। पर जैसे जब हम कोई चीज़ अंदाजे से बताते हैं कि मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, या आप कोई चीज़ों को देख करके बोलते हैं कि यार इट सीम्स,